भोपाल में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर में पानी फुल्की बेचने वाला एक युवक अचानक गांजा तस्कर बन गया। नगर निगम की तानाशाही के चलते इस युवक ने अपराध की दुनिया में अपना ये कदम रखा था। दरअसल युवक जहां पानी फुल्की का ठेला लगाता था, वहां से नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर बार बार उसका ठेला उठाकर ले जाती थी, जिससे परेशान होकर उसने पानी फुल्की बेचने का व्यापार बंद कर छोटे स्तर पर गांजा बेचना शुरू कर दिया। वो झांसी से गांजे की पुड़िया बनवा कर लाता था और भोपाल में अलग अलग जगहों पर बेचा करता था। दरअसल राजधानी भोपाल में अवैध मादक पदार्थ को लेकर भोपाल पुलिस की सख्ती जारी है। उसी बीच भोपाल की अवधपुरी थाना पुलिस को इनपुट मिला था कि थाने के क्षेत्र में आने वाले वीडिये कॉलोनी में सुनील जोशी नामक व्यक्ति गांजे की पुड़िया बेचने की फिराक में घूम रहा है। फिर क्या था, पुलिस की टीम ने तैयार कर घेराबंदी कर उस युवक को पकड़ लिया। जैसे कि आपको जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भी, हमारे सीपी सर द्वारा भी इसमें अभियान चलाया जा रहा है, तो श्रीमान डीसीपी महोदय के निर्देशानुसार जैसा बताया गया था कि चूँकि थाना क्षेत्र में जहां पर भी कहीं अवैध ये नशे संबंधी जो सामग्री का विक्रय किया जा रहा है, उनकी कार्रवाई की जानी है। उसी तारतम्य में थाना अवधपुरी में कल एक अच्छी कार्रवाई करी गई है थाना प्रभारी अवधपुरी और उनकी टीम के द्वारा, जिसमें से कि एक व्यक्ति जिसका नाम है सुशील जोशी और दीपक, वो चूँकि पहले जैसा पता बताया गया है कि वो फुल्की का ठेला लगाने का काम करता था, लेकिन बाद में इस धंधे में आ गया और झांसी वगैरह से इस तरीके की गांजा लेके आया करता था और यहाँ पे पुड़िया बना बना के सप्लाई किया करता था, जिस पर से कि 8/20 NDPS का पंजीबद्ध किया गया। कितना कुल उससे जो मात्रा जब्त हुई है वो 1 किलो 200 ग्राम जब्त की हुई है। ये कम कम मात्रा में लाया करता था जैसा बताया, चूँकि झांसी कोई बहुत दूरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत अपना लेके आए और यहाँ पे पुड़िया बना बना के सप्लाई करती हैं, उसके बाद फिर चले गए, फिर ले आए। अब झांसी में कहाँ से लाते थे ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन में हम बाद में देखते हैं। फिलहाल अवधपुरी थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, पूछताछ में और भी लोगों के नाम आ सकते हैं।